पूरा भारत लॉकडाउन है क्योंकि कोरोना वायरस का जिस तरह से प्रकोप बढ़ा है तो इसको लेकर रांची भी पूरी तरह से बंद है। कल हमने एक खबर दिखाई थी होटल राज पैलेस में 32 ऐसे लोग हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, वो लोग यहाँ पे रुके हैं और इन लोगों ने रोटी की मांग की थी। तो इस खबर का व्यापक असर हो रहा है, लगातार कई सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर आकर इन्हें रोटी दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, तो हमारी खबर का असर हुआ है। ये आपका ही न्यूज चैनल पे हमने देखा था, ये आप वो बता रहे थे कि जैसे इन लोग को रोटी चाहिए था, ये लोग मतलब एमपी से हैं तो भात इन लोग को पसंद नहीं है, तो इसीलिए इन लोग के लिए हम रोटी बना करके मिल रहा। हाँ मिल रही, अच्छा व्यवस्था हो रही है सर, आपका व्यवस्था हो रही है, आपका बहुत धन्यवाद। अब तो कोई दिक्कत नहीं, रोटी का दिक्कत तो नहीं है जी सर, हमको ये ध्यान रखना 10 दिन के घर जब तक वो पूरा बंद नहीं खुलेगा। नहीं हाँ 14 तारीख से हमको ध्यान रखना, हमको पहुँचाना जरूरी है तुम आगे रह के जी सर। तो हमारे साथ होटल राज पैलेस के मालिक हैं सतीश भैया हैं, इनसे भी बात। सतीश भैया, कल हम लोगों ने यहाँ खबर दिखाई थी, क्या खबर आपने देखी? नहीं नहीं, निश्चित तौर पर देखिए एक सामाजिक कार्य था और पिछले 21 तारीख से के बाद, जैसे 22 तारीख को ये पूरे मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख को जब महा कर्फ्यू का जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ उसके बाद इन लोग यहाँ फंस गए। कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद इन लोग को कई परेशानियाँ हो रही थी, हमने मेरा एक भी स्टाफ नहीं है, सारे स्टाफ को मैंने छोड़ दिया चूँकि कई स्टाफ हमारे पुरलिया साइड के थे। मैं खुद सुबह में प्रत्येक दिन आता हूँ, यहाँ का पानी वगैरह का सब चीज़ व्यवस्था करके उसके बाद इन लोग को जो भी यहाँ पर व्यवस्था करके जाता हूँ। जब तक न खुले, आप जाने के लिए भी एक व्यवस्था कि कैसे आप जाए, इसके लिए भी मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ इन लोग एमपी के भोपाल के रहने वाले हैं। ऐसे मुसीबत की घड़ी में यदि ऐसे हाथ आगे आते हैं तो समाज को एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे संकट के समय में लोगों को जरूर खड़ा रहना चाहिए। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची।